बीके न्यूज राष्ट्र के नाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम सुप्रभात भारत में। अगर कोई अपने जीवन में कुछ अलग करने का ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मध्य प्रदेश के प्रफुल्ल बिल्लौर ने ये साबित किया है। बिल्लौर का चाय बेचने का व्यवसाय है और ये इतना सफल है कि इसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है। 22 साल के प्रफुल्ल जो अब अहमदाबाद में रहते हैं, वो देश भर में MBA चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी, कैसे एक चाय की छोटी सी टपरी से आज इनकी वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी है। अगर कोई अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए दृढ़ है, अगर उसने ठान ली है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रफुल्ल बिल्लौर ने ये साबित किया है। बिल्लौर का चाय बेचने का व्यवसाय है और ये इतना सफल है कि इसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है। 22 साल के प्रफुल्ल जो अब अहमदाबाद में रहते हैं, वो देश भर में MBA चाय वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रफुल्ल कैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आखिरकार सड़क पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में MBA की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी किया। इसी दौरान एक चाय विक्रेता से बात करने के बाद बिल्लौर ने फैसला किया कि वे एक चाय की दुकान खोलेंगे। व्यवसाय के पहले दिन प्रफुल्ल ने दूध खराब होने और बहुत अधिक चीनी मिलाने के बाद केवल 1 कप चाय बेची। धीरे धीरे उनकी चाय की दुकान लोगों को अच्छी लगने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने 15,000 रुपए प्रति माह तक की कमाई शुरू कर दी। इसी बीच उन्होंने अपना MBA छोड़ दिया, हालांकि उनके माता पिता ने इसका विरोध किया। प्रफुल्ल ने ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया। उनकी कहानी हाल ही में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे द्वारा शेयर भी की गई थी। उन्होंने बताया, जब मैंने अपना सब कुछ देने के बाद कैट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं तबाह हो गया। निराश होकर मैंने एक ब्रेक लेने और यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक डिग्री हासिल करूं। 20 साल की उम्र में मैंने अपनी बचत का इस्तेमाल करके चाय का बिजनेस शुरू किया। प्रफुल्ल ने आगे बताया कि मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। फिर एक दिन चाय पीते हुए मैंने चाय वाले से बात की। मुझे लगा कि मुझे अपनी खुद की टपरी खोलनी चाहिए। मैंने तुरंत एक पतीला, एक लाइटर और एक छलनी खरीदी। प्रफुल्ल अपने काम में सब कुछ देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने MBA छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान उनके माता पिता ने कहा, ये उनके घर परिवार के लिए बेहद ही शर्म की बात है। यहाँ तक कि उनके दोस्तों ने भी उनका बेहद मजाक उड़ाया। लेकिन प्रफुल्ल ने सभी से खुद को दूर करना बेहतर समझा। बाद में उन्होंने अपनी दुकान पर ओपन माइक सेशन और बुक ड्राइव का आयोजन भी शुरू कर दिया। वैलेंटाइन के दिन उनके सिंगल के लिए मुफ्त चाय वायरल हो गई और वहां से सभी सिंगल उनकी दुकान पर चले गए। वो तब प्रसिद्ध हुए और शादियों में चाय परोसने के ऑर्डर उन्हें मिलने लगे। 2 सालों के बाद प्रफुल्ल ने अपना कैफे खोला और पूरे भारत में उसकी फ्रेंचाइजी भी दी। स्पीच देने वाले के लिए उन्हें IIM में आमंत्रित किया गया। वो कहते हैं, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे अब मुझसे ही सलाह मांगते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान रखता है। मैं एक फुल टाइम चाय वाला हूँ और मुझे इससे प्यार है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।
वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।